आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली आदर्श नगर इलाके में युवक की हत्या तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की गई। युवक की हत्या, जितेंद्र नाम का युवक आजादपुर मंडी में करता था काम। मंडी जाते समय अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। परिवार का कहना, आए दिन होती है आपराधिक घटनाएं। गुस्साए परिजनों ने मेन रोड को किया जाम, भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद। दिल्ली के आजादपुर मेन रोड पर दोपहर अचानक भारी संख्या में लोग आए और रोड को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। मामला एक की हत्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास आदर्श नगर से आजादपुर मंडी जाते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने जितेंद्र यादव नाम के युवक की लूट के इरादे से हत्या कर दी। इस बात की जानकारी परिजनों को मिली है, पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भिजवा दिया, लेकिन परिवार का गुस्सा सड़कों पर उतरा और आखिरकार आजादपुर मेन रोड को जाम करके लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि इलाके में आए दिन लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन सायरन बजाकर कष्ट करता है, जिससे बदमाश चौकन्ना हो जाते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह 4:30 बजे जितेंद्र यादव काम के लिए आजादपुर मंडी जा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि तभी कुछ झपटमार बदमाशों ने लूट के इरादे से उसे रोका और धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस लगातार गुस्साए लोगों से बातचीत कर उन्हें सड़क से हटाने में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन आए दिन हो रही इस तरीके की आपराधिक घटनाएं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े करती हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है, पूरा बताएं। सर, वो मेरा मौसी का लड़का था और मंडी में जो है सो काम करता था। 4:25 में आदर्श नगर से मंडी की तरफ जा रहा था और यहाँ 5-6 जो है सो चोर भाई रहते हैं, वो चरस भांग नशे सारे करते रहते हैं। जब हमारी प्रशासन जाती है तो बजाते हुए जाते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। यदि कॉलोनी आदर्श नगर कॉलोनी से कोई निकल के गया, अगर जो वो 3-4 है तो बच गए, यदि अकेला गया तो उसको जो है ऐसे गला पकड़ लिया जाता है कैंची के तरह, और उसके बाद जो है सो उसके साथ मोबाइल पैसे सारे छीन लिए जाते हैं। और यदि वो नहीं दिया तो उनको चाकू भी मार दिया जाता है सर। और मेरे भाई को इसी तरह सुबह वहाँ मार दिया गया है 4:25 पे। और प्रशासन को जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला रोड के बगल में पड़ा था, इनको मोट वो एक्सीडेंटल घटना, कोई गाड़ी ठोक के चले गया, जबकि उसके पास 85,000 रुपये और एक मोबाइल था। आरती का रकम, 2 दिन से बारिश हो रहा था, नहीं दे पाया। रात में हम माल लेते हैं, शाम तक बेचते हैं पूरे दिन, और शाम को पैसे ले घर आते हैं तो कल होके उनका पर्ची कटाना पड़ता है। जिनका मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है? जितेंद्र यादव। क्या उम्र रही होगी उनका? सर 25 से कम ही उम्र है सर, और 2-3 या 4 महीने का लड़की होगा सर, 2 बच्चे हैं उनके पास बस। एक काम किसके पास करते थे ये? सर अपना मंडी में मिर्ची खरीद के और आरत के नीचे रोड पे बेचते थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार सबपुरा गांव, सबपुरा और थाना हसनपुर और जिला समस्तीपुर। क्या हुआ था पूरा मामला? वो मेरा फुफा का लड़का है, मेरा भाई है, उनको सुबह 4 बजे रूम से चला था और यहाँ पे आते आते उनको चोर भाई पकड़ लिया पीछे से। 4 बजे सुबह में उनको गला कबच कर डाब दिया, पकड़ कर डाबने के बाद उनको जेब से 85,000 रुपया निकाल लिया, एक फोन था, 14,000 का फोन भी निकाल लिया था। उनके पास उसके गले दबाने के बाद, यहाँ पे जिंदा होने के बाद भी 2-3 पुलिस वाला भी था। पब्लिक का कहना है, जो पब्लिक जुटा हुआ था, 2-3 पुलिस वाला भी था, पर यहाँ पे वो पुलिस वाला को बोला गया था इनको हॉस्पिटल उठा के ले जाओ, पर वो ले नहीं गए। वो बोले हम जा रहे चोर पकड़ने के लिए, पर उठा के नहीं ले गए। उस टाइम दम वहीं पर टोड़ा था, नाक और मुँह से खून आया था उनको, नाक से भी। चोट कहीं नहीं लगा हुआ, गला रखा हुआ, गला दबा हुआ, हाँ गला दबा हुआ, उसके बाद नाक से कान से खून आया मुंह से। पहले से भी किसी से लड़ाई झगड़ा कोई नहीं उनका, किसी ना कोई नशा करता था वो, ना किसी से झगड़ा होता था, अपना काम करके आता था, अपना रूम में खाना पीना खाता था, बनाता था, खाता था और सोता था, किसी से कोई मतलब नहीं होता। अपने भाई की बॉडी कहाँ मिली है? किधर मिली बॉडी? यहीं पे मिला था, यहीं पे बगल में, बगल 89 नंबर पिलर के पास। 89 हाँ, 89 नंबर पिलर पे है, मेट्रो सर। सर
आज आपके सामने मैं मीडिया में बोल रहा हूँ तो टीवी पे चलेगी, नहीं तो हर दिन 10-20 को जेब काटे जाते हैं और मोबाइल छीने जाते हैं। यहाँ का प्रशासन सिर्फ सप्ताह लेती है, ये दिखा के लेती है, क्यों हम बिहारी हैं, वो दबा के हमें धमका देगा अगर जो उसको ऐसे गला दबा दिया जेब से, वो बलहट था थोड़ा, जो कैंची लगा देते हैं, कैंची लगा देता, वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो भाग गया, भागा उसको फिर लपट दिया, दूसरा आदमी उसको पत्थर मार दिया, इसमें पत्थर लगा, उसके बाद पत्थर मारा वो गिर गया, पांच आदमी था वो, और उसको सांस चल रहा था, पुलिस वाले ने उसको उठाने के लिए भी राजी नहीं हुआ, एम्बुलेंस भी था बड़ी, उसका होश था बड़ी को, फिर भी नहीं ले जाया गया, तब उस आया कि मेरा भाई अभी तक नहीं आया, तो वहाँ आया और चिन्हा दो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।